हैं। आज का सेशन बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज सुषमा जी बहुत सीनियर मास्टर हैं, एंड जो लाइट के बारे में बात करेंगे, हो सकता है आप लोगों को अचंभा भी लगे कि लाइट से कैसे ठीक किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली लाइट ही होती है जो ठीक करती है। मिराकल होता है जहाँ पे भी, मतलब वो लाइट ही होता है फ्रेंड्स। सो इस बात को समझना अच्छे से, एकदम खुल के। एंड सुषमा, मैं चाहूंगी कि हम जब शुरू करेंगे लाइव, तो 5 मिनट मेडिटेशन, जैसे अपने उसमें वाले प्लेटफॉर्म पे करते थे, कि अभी सब दिन भर के काम से जो थक गए हैं, निकल गए हैं, सो स्टार्ट यस, विद दैट। या ठीक है ओके। डियर, या ओवर टू रितु, या स्टार्ट। वेलकम सुषमा जी, दिस इज द 7th डे ऑफ आवर सेशन, और पिरामिड लाइट हीलिंग हैंड्स हम लेके प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स या कोई भी तरह की हीलिंग मॉडलिटी के साथ वो जुड़कर अपने जीवन में हमेशा शांति ला सकते हैं। नो डॉक्टर नो मेडिसिन इज अ मंत्रा, या और ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है आपका, वर्किंग विथ लाइफ कोड्स। इसके द्वारा मैंने खुद में देखा है, सुना है कि बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और दोस्तों, ये इंडिया के अलग अलग जगहों पे भी जाकर लोगों को इसके द्वारा उन्होंने हीलिंग करी है, उनकी हेल्प करी है, बाहर भी गई हैं ये, एंड शी इज अ ब्यूटीफुल मास्टर फ्रॉम कोलकाता। तो थैंक यू सुषमा जी, ओवर टू थैंक यू यू। रितु, थैंक यू सो मच। लिटिल 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 मोर अबाउट सुषमा, रितु, मोर हाँ मोर अबाउट सुषमा। या तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी सुषमा के बारे में। जैसे हम सब आत्मा हैं, ये बात तो सही है, लेकिन एक होता है कि हम अपने आप को आत्मा जानते हैं, जान लेने के बाद मानते भी हैं। तो सुषमा के बारे में मैं यही कहूंगी कि एक ये बहुत ही प्यारी सोल सिस्टर हैं, ये एक इस तरह की मास्टर हैं जो स्वयं को जान चुकी हैं। शी इज एन एनलाइटेड मास्टर, जो हमारे ये जीवन में एक यात्रा होती है जिसमें हमें खुद को जानना होता है, एक वो स्थिति आती है, वो इनके जीवन में आ चुकी है। और अब ये अपना ज्ञान, अपनी विजडम, इन्होंने रे चंद्रन जी के संग ये अपना अपनी विजडम को शेयर करती हैं, और उनकी क्लासेस भी लेती हैं, डीएनए के साथ में लेती हैं, अलग अलग हीलिंग मॉडेलिटीज पे वर्कआउट करती हैं। तो कबीर इनके द्वारा चैनल होते हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर पोइट्री करती हैं, जो बहुत ही जल्दी आपके सामने एक बुक के रूप में भी आएगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलके, दोनों मैं और सुषमा, इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल चैनल मतलब इतनी चीजें हैं, इतना ज्ञान और विज्ञान है इसको जानने के लिए। तो सुषमा से जितना ले सकते हो आज इससे ले लो, अब आप लोग, आपके सामने ये मौजूद है। एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही खूबसूरत सोल आपके सामने है फ्रेंड्स। या सो वेलकम सुषमा। थैंक यू आशा जी, थैंक यू रितु, थैंक यू पिरामिड लाइट एंड थैंक यू हीलिंग हैंड्स। आशा जी ने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में, फिर भी क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी हैं, इसीलिए जैसे हम होते हैं हमें वैसे ही दुनिया दिखती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता रहता है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था चैनलिंग एंड लाइट लैंग्वेज। पहले इससे होता कैसे है उसके जानने से पहले, हम लोग आज, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली चैनलिंग होती क्या है, लाइट लैंग्वेज माने होता क्या है। बहुत से लोग हमेशा पूछते रहते हैं मुझे, या जो नहीं जानते हैं कि ये क्या। तो आज मैं एक छोटे से, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग समझेंगे चैनलिंग। मैंने इसमें एक तो रेडियो को फोटोग्राफ दिया है, इमेज ली है। हम जब भी हम रेडियो सुनते हैं, तो हमें जो भी चैनल सुनना होता है, हम उसको ट्यून इन कर लेते हैं। 93.5, 94.3, 98.3, इतने सारे, 104.8, 104, बहुत अच्छे, जो भी जितने भी चैनल, जो भी हमको सुनना है, हम उसको ट्यून इन करके वो गाना उसमें, या जो भी उसके उस चैनल में अंदर जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, उसको वो हम सुन पाते हैं। सिमिलरली चैनलिंग भी होता है, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस पे आप वाइब्रेशन भर जाती है ध्यान के द्वारा लगातार, तो आप क्या होता है, आप
जो ये दुनिया है जो हमें अपने आंखों से दिखती है, जिसे हम स्थूल बोल सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जो हमको दिखती नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो हमें दिखता है वो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा, जिसे हम 0.00001% बोलते हैं। लेकिन जो नहीं दिखता है वो 99.999999% है। तो मतलब इतना बड़ा जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वही इतना बड़ा है, और जो नहीं दिख रहा है तो कितना बड़ा हो सकता है, तो शायद हमारी कल्पना में भी नहीं आए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा है, कल्पना ही करना हमारे लिए मुश्किल है। तो वैसे ही जो चीज हमें नहीं दिख रही है, हम जिन्हें अपने फिजिकल सेंसेस से देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारा उतना अवेयरनेस नहीं है, उतनी फोकस नहीं है, तो फिर क्या होता है, जब हम अपना वाइब्रेशन हमारा बढ़ता है तो जो चीज हमें नहीं दिख रही है, जब हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे जब हमारा रेडियो कनेक्ट होता है तो हमको 93.5 दिख थोड़ी ना रहे, वो एयर में है, ईथर में है, फ्रीक्वेंसी है, वो हमने अपने को ट्यून किया हमारे रेडियो को, और उसमें वो 93.5 FM का गाना बजने लगता है। सिमिलरली जब हमारी एनर्जी लेवल विथ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, विथ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड ध्यान एक बढ़ जाती है, तो जितने भी मास्टर्स जो भी एस्ट्रल रेम्स में हैं, जो हमको नहीं दिखते, चाहे उन्होंने फिजिकल लाइफ लिया हो या चाहे नहीं लिया हो, तो जब हमारा रेडियो 93.5 FM से जुड़ गया, 5 FM से जुड़ गया, तो हमारे अंदर 93.5 FM के गाने बजने लगते हैं। तो सिमिलरली इट्स लाइक जैसे ही हम किसी एक मास्टर से जुड़ जाते हैं, जैसे आशा जी ने बोला मैं कबीर, जब मैं कबीर से जुड़ी तो वो जैसे दोहे लिखते थे मैंने वैसे दोहे लिखे, जब मैंने ओशो को चैनल किया जिस शैली और भाषा में वो लिखते थे, तो मैंने उसी भाषा और शैली में लिखा। तो इसको हम वी कनेक्ट विद एनी मास्टर्स, वेदर दे हैव देयर फिजिकल बॉडी, जो इस पृथ्वी पे रह चुके हैं या जो नहीं भी रह चुके हैं, जिन्होंने अर्थली लाइफ नहीं रही है, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रल बीइंग्स और ऐसे एस्ट्रल मास्टर्स जिन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो हैं, इतनी बड़ी दुनिया है हमारी, तो उनसे जब हम कनेक्ट हो पाते हैं तो वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जब मैंने उनको देखा है, मैंने उनको समझा है, मैंने उनको देखा है और मैंने उनको समझा जितना, तो मैंने देखा कि वो कोई भी चीज जब वो समझाते हैं तो इतना एक इजी होता है एक तरीका बताने का और सिखाने का, कि हमको लगता है अरे इतना अच्छी बात थी, मेरे को समझ ही नहीं आई, मैंने ध्यान ही नहीं गया। तो ये हमारा होता है चैनलिंग पार्ट। तो चैनलिंग के ही एक पार्ट में हमारा आता है, जिसे हम लोग कहते हैं वन मिनट, लाइफ लैंग्वेज। लाइफ लैंग्वेज क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन दैट बाई पासिस ह्यूमन लिमिटेशन अराउंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जब भी हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि जब हम बात, जैसे अभी जिस भाषा में मैं बात कर रही हूँ वो आपको भाषा आती है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी भाषा बोलूँ जो आपको नहीं आती तो आपको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि हम जब भी भाषा करते हैं होते हैं जिसकी वजह से हम उस भाषा को समझ कर पाते हैं अपने लॉजिकल माइंड के थ्रू, और वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या। जबकि जो लाइफ लैंग्वेज होती है वो हमारे ह्यूमन माइंड के अस्तित्व में या ह्यूमन माइंड के कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आती। इट डजंट कम अंडर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड, इट इज बियॉन्ड दिस कॉम्प्रिहेंशन, इट इज बियॉन्ड माइंड। वन मिनट,
आई एम शेयरिंग पीपीटी. पीपीटी इज नॉट विजिबल. Is it visible now? No voice? Yeah, now this is on. Yeah. Voice on? Yeah. Fine. So, in this, the light language has no fixed alphabet. Agar aap bolenge, to isme kuch shabd nahi hai. Inko kuch ABCD ki paribhasha mein ya I ki paribhasha mein likha nahi ja sakta. Koi alphabets nahi hai. It's just frequency, vibrations hai. And at the same time, it's just a vibration frequency that speaks directly to our soul and DNA. जो ये तुरंत ही बात करती है हमारी एनर्जी सिस्टम से. अगर हम लॉजिकल माइंड से इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे इसके मतलब क्या है, ये कैसे होता है, कैसे बोला जाता है, तो वी जस्ट कांट कॉम्प्रिहेंड. क्योंकि इसको पॉसिबल ही नहीं है एक ह्यूमन लॉजिकल माइंड से कॉम्प्रिहेंड करना. इट इज जस्ट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. इट्स अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऊंचा है. जैसे कोई चीज में जब हम तिबेटियन बाउल उसको हम हिट करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है. एक जब एक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, जब हमारी एनर्जी फील्ड में को छूती है, तो उसमें चेंजेस हम महसूस करते हैं. इसी तरह से जब इन लाइट लैंग्वेज को जब बोला जाता है, टोन किया जाता है, तो एक फ्रीक्वेंसी एमिट करती है जो हमारी आत्मा में और जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स में, हमारे डीएनएज में, हमारे आरएनएज में एक बदलाव लाते हैं. फॉर्म्स ऑफ लाइट लैंग्वेज, इट कैन बी स्पोकन, इसको बोला जा सकता है. इट कैन बी रिटन, इनको लिखा भी जा सकता है. ऐसा नहीं है कि मैंने ही लिखा है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले भी लिखा है और मेरे बाद भी लिखेंगे. और साथ में इसमें हैंड मूवमेंट से भी जब हम लोग कोडिंग करते हैं, तो आपका हैंड मूवमेंट ऑटोमेटिकली होता है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लाइट. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू बाइनरल बीट्स. एक फ्रीक्वेंसी को जब एक पर्टिकुलर टोन में जब हम करते हैं, तो हमारे जो माइंड की डिफरेंट वेव्स होती हैं जिसपे हमारा माइंड वर्क करता है, अल्फा, बीटा, थीटा एंड गामा, तो इन लाइट लैंग्वेज से हमारा वेव्स की जो वेव लेंथ है ब्रेन की, जल्दी जल्दी गामा लेवल पे आ जाती है, बहुत डीप लेवल पे आ जाती है. और क्योंकि हमारी मैक्सिमम हीलिंग थीटा स्टेट पे या गामा स्टेट पे ही होती है. अगर हम अल्फा और बीटा, बीटा स्टेट में तो कोई हीलिंग होती ही नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी एक्टिव. लाइक व्हेन यू जस्ट प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, जस्ट अ बिट ऑफ मेडिटेशन, यू एंटर इनटू दैट अल्फा स्टेट. बट फॉर द हीलिंग टू हैपन, द बॉडी हैज टू बी इन द गामा और द थीटा स्टेट. देन द हीलिंग बिकम्स मोर प्रोफाउंड. द हीलिंग बिकम, इट इज एट द सेम टाइम द पर्सन हु स्पीक्स अ लाइट लैंग्वेज इज ऑलवेज यूनिक इन इट्स ओन. The way I speak is different. जो और लोग बोलते हैं वो different है. कभी भी एक दूसरे का ये language नहीं match करता. It is always different because इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी कायनात है. हम किस astral being से connect होके, कहाँ की, किस planet की, किस कहते हैं ना, किस दुनिया की भाषा बोल रहे हैं, हमको पता भी नहीं है. तो इसीलिए इट्स लाइक इट इज एज इंडिविजुअल एज ईच चैनल हु ब्रिंग्स इट थ्रू. तो हर जन की अपनी अलग होती है. तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था हमारा लाइट लैंग्वेज का, कि क्या मतलब होता है इसका, कितनी तरीके की होती है और कैसी होती है. मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी, वन और टू जस्ट, इसमें कैसे लिखा जाता है इनको. फर्स्टली वी जस्ट चेक हाउ इट सर्व्स. इसको हमें ये कैसे हमारे को सर्व करती है, कैसे फायदा देती है. फर्स्ट इट हेल्प्स आवरसेल्व्स टू हील. हमारी कोई भी चीज की, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, इफ वी लिसन टू दीज कोट्स रेगुलरली,
for a particular time period, the healing happens very fast. In other modalities, maybe it takes time. समय लगता हो, लेकिन इसमें यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द थेरेपिस्ट कि आपको बार बार उससे कराना पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक इफ यू हैड इट, आपको 10 दिन 15 दिन में 21 दिन लगातार सुनना होता है. यू नीड टू लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग रिपीटेडली. व्हेन यू लिसन टू दिस कोर्स रिपीटेडली यू हील. लाइक हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनको लाइक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स था वो हील हुआ है, नीज में था वो हील हुआ है, जिनको सीवियर डिप्रेशन मतलब ऐसे ऐसे डिप्रेशन के केस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें कि द पीपल डजंट यूज टू टॉक, दे बिकम लाइक अ स्टोन, एकदम बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए. या दे यूज टू ओनली क्राई क्राई क्राई, वो ठीक हो गया. लाइक जिनको सीवियर साइनस था, लाइक मेरी छोटी बेटी को बहुत सीवियर साइनस था, मेरी बेटी को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहते थे पीरियड के बड़ी वाली को. So it's just, we did one session, we recorded the session and she kept on listening for 21 days. And after 21 days, all the pain disappears. Kuch bhi nahi, now she has easy periods. So this is how the healing happens when we work with the life coach. The next, it helps you to evolve. Instead of, apart from the physical healing, aapka isme emotional or mental level mein bhi bahut kaam hota hai because it just speaks directly to your cellular body. हमारे हर एक सेल में इतना कुछ कचरा जमा होता है, इतनी कुछ मेमोरीज इन द फॉर्म ऑफ शेम, इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट, इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इन द फॉर्म ऑफ रिजेंटमेंट, बहुत कुछ जमा रहता है. तो जब हम इन कोर्स को सुनते हैं तो इट एक्ट एज अ वैक्यूम क्लीनर इन अवर एनर्जी. इट जस्ट रिलीज दोज एनर्जीज विच नो लॉन्गर सर्व, इट जस्ट रिलीज इट फ्रॉम अवर एनर्जी फील्ड. So as soon as our energy fields become more clearer, more vibrant, we evolve. We become closer to our enlightenment. We come closer to know who we are. We come closer to know why we are here. Hamara purpose kya hai? Our evolution happens very fast. At the same time, maine pehle bhi bataya, it changes our DNA. Because DNA is a blueprint of our life. It just... it just makes who you are. आपका हर एक चीज, आप कैसे हो, क्या हो, क्यों हो, सब आपके DNA में ही होता है. Everything is in your DNA. So unless and until our DNA gets shifted, our life doesn't get shifted. So with this healing modality, it is possible to change our DNA. जो those DNAs which do not serve us, we deactivate those DNAs. And the DNAs which serves us, we activate those DNAs. It is just a science. जैसे हम लोग एक स्विच को ऑन एंड ऑफ करते हैं, चीज हमारे काम की नहीं है, हम उसको अपनी एनर्जी फील्ड में बंद कर देते हैं, और जो चीज काम की है उसे हम अपनी एनर्जी फील्ड में स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट इज लाइक इट जस्ट चेंजेस अवर DNA. एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इट हेल्प्स अस इनटू रिलीजिंग अवर कर्मा. हम लोग क्योंकि सब जितने भी मोस्टली लोग हैं अगर यहाँ पर हैं तो दे आर रियली अवेयर ऑफ द कर्मा. उनको बेसिक नॉलेज है हमें कर्मा की, कर्मा क्या है. और हम सब जानते हैं कि जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं वो बिकॉज जो भी हम कर्म करके आए हैं पास्ट में उसका सम टोटल है. तो कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा नहीं है, कुछ भी अप टू द मार्क नहीं है. तो इट मीन्स कि वी आर कैरिंग द कार्मिक बैगेज ऑन अ बैक. And we can easily release this karmic baggage, and it is very much possible to release. So if we listen to these quotes, it just dissolves our karmic imprints and our energy field also. As these karmic imprints are dissolved, our life becomes easy, our life becomes smoother, our life becomes very what you say, like dynamic. At the same times our life, we start enjoying our life instead of feeling it as a burden, instead of feeling it as a punishment, instead of feeling it as a suffering. Humko lagta hai nahi hum kuch worthwhile karne aaye hain is duniya mein, hamara kuch kaam hai yahan par, tabhi hum aaye hain. So again, it just helps us to release our karma. Next, it just helps
when our DNAs are changed, when we evolve, when we release our karmas, it shifted our vibration. It just shifts our vibration. हम पहले अगर ए फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे थे और हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ए से मे बी सी या डी या ई जितना भी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाते हैं. तभी जब बहुत जब हमने लाइफ में हम अपने ध्यान स्टार्ट करते हैं व्हेन वी बिगिन विद द मेडिटेशन इन आवर लाइफ व्हेन वी एक्सेप्ट एंड व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इन आवर लाइफ वी स्टार्ट सीइंग सो मच डिफरेंस. क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं जो हमारे अंदर हमारी एनर्जी फील्ड में चारों तरफ जो ब्लॉकेजेस हैं जैसे जैसे वो क्लीन होंगे हमारा वाइब्रेशन बढ़ जाता है. आप इसको बहुत आसान तरीके से भी समझ सकते हैं. जब हम घर की कभी बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं लाइक मे बी एट द टाइम्स ऑफ दिवाली और जो एवरी मंथ जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं अपना पूरा घर को झाड़ना है फैन क्लीन करना है लाइट्स क्लीन करना है तो एट दैट मोमेंट योर हाउस फील सो लाइट. आपको घर में इतना अच्छा लगता है कि सब कुछ एक बार लगता है कुछ नया सा है कुछ बदल गया है. तो वैसे ही हमारा ऊर्जा क्षेत्र भी होता है कि जब हम ये कोई भी ये जब हम लाइट कोर्स के साथ काम करने लगते हैं तो जो हमारे एनर्जी फील्ड में कचरा जमा हुआ है जितनी भी पाइप्स में सब जगह ब्लॉकेजेस है जब वो क्लीन हो जाती है जब वो हट जाती है तो हमारा वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है और हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. जो हमारे ऑरा के कलर्स हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं जो उनके कलर्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाते हैं. जस्ट shifted our vibration, just shifts our energy field. And it's because इसमें हमको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें कुछ करना नहीं है सिर्फ अपना ईयरफोन लगाना है या स्पीकर लगाना है और आँख बंद करनी है सुनना है. It's very easy to practice, very easy. You don't have to do anything. Only listening gives you the result. आपको ये नहीं पता लगाना है कि ये belief system कहाँ से आ रहा है मेरे इस लाइफ का है कि पास्ट लाइफ से आ रहा है मेरे साथ कब हुआ. इतना आपको कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने का जरूरत ही नहीं है. यू डोंट नीड टू एंटर योर सबकॉन्शियस माइंड. यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम व्हाई इट इज देयर और क्यों. खुद को भी नहीं मेहनत करना है उसको छोड़ने का या करने का बस कुछ नहीं. जस्ट नीड टू लिसनिंग गिव्स यू द रिजल्ट. Just the intention and the listening, it just helps to make that shift in your DNA, make the shift in your vibration, make the shift in your energy field, and you just heal yourself very fast. So this is how the light language works. Like this is one of the example how I write when I am in trance or when I sit in meditation. This writing, this coding is for like a particular thing for making the energy field ready. For deactivating the DNA, जो भी DNA हमारी system में हमको काम के नहीं है like the DNA of jealousy, the DNA of anger, like DNA of lust, DNA of greed, बहुत सारे DNA हैं जो हमारे हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन वो हमारी body में बहुत active हैं जिसकी तभी हम बोलते हैं कि मैं करना नहीं चाहती थी हो गया मेरा मन नहीं था तो भी हो गया. कैसे हो गया क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी में बहुत एक्टिव है. तो फर्स्ट कोई भी प्रोसेस करने से पहले वी नीड द प्रिपरेशन. जैसे आज हम ये क्लास हमने आपने जितने लोग भी आप लोग आए हैं ये 21 दिन का जो रितु जी ने और आशा जी ने स्टार्ट किया है तो इट्स लाइक रिक्वायर्स प्रिपरेशन. कौन कौन से स्पीकर्स रहेंगे किस टाइम पे करेंगे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे तो बहुत सारा प्रिपरेशन है. सोचिए जब हम एक छोटा सा कुछ कोई भी एक फिजिकल रूप में भी काम कर रहे होते हैं लाइक हमारे घर पे अगर गेस्ट भी आ रहे हैं तो किस टाइम पे आएंगे तो मेन्यू क्या होगा हमारे खाने का हम स्टार्टर्स में क्या रखेंगे और क्या गिफ्ट देंगे या कुछ ओकेजन है तो कितना बजे कैसे उनको पिक करने जाना है उनको छोड़ना है इतना सारा कुछ वी नीड टू प्रिपेयर सो मेनी प्रिपरेशन वी डू. सिमिलरली अगर हम अपने एनर्जी फील्ड जो कि विजिबल नहीं है जो विच इज वेरी सटल विच इज सो सो सटल अगर हमें उस पर काम करना है वी नीड टू प्रिपेयर अवर एनर्जी बॉडी वी नीड टू मेक अवर एनर्जी बॉडी रेडी.
वी नीड टू मेक अ फिजिकल बॉडी रेडी. तो इन दिस मेडिटेशन इन दिस विद दीज लाइट कोड्स इफ यू जस्ट कीप अ हैंड्स ऑन इट इट जस्ट वर्क सो फास्ट. इफ यू जस्ट कीप अ हैंड ऑन इट एंड वी जस्ट क्लोज आवर आईज एंड वी जस्ट ब्रीद इन द एनर्जी इट जस्ट स्टार्ट्स मेकिंग अवर एनर्जी फील रेडी. In fact, if you just look at it, you start immediately can feel that tingling sensation in your fingers, or you just can feel that vibration on your shoulders or on your heart by just looking at this image, and by just meditating, keeping your hands on this image and meditating. If this image best works if you just take a print out and keep it in on your hand. It's equally effective when we do on our phones or laptop, but I feel when you touch it, it just becomes more vibrant. So this is one of the ways. Our language is like writing, and again, it is looked through the symbols which we call the cosmic diagrams of the mind. I had made many, like maybe hundreds of them, but I just shared one of few videos, like the cosmic diagram, which represents the spreading of consciousness, that where we have come from and how this consciousness कैसे बढ़ गई ये दुनिया. जब हम शुरू हुए थे अगर हम देखेंगे आज से 100 साल पहले तो population कितनी थी और आज कहाँ पे है हमारी population, कैसे वो spread होती ही जाती है. केवल हमारे earth में consciousness spread हो रही है नहीं, it just keeps on spreading expansion. तभी हमारा यूनिवर्स हमेशा बढ़ता जाता है. एवर 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 लिमिटलेस इवोल्यूशन लिमिटलेस एक्सपेंशन क्योंकि वी जस्ट डोंट नो हाउ बिग अवर यूनिवर्स इज. कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा. एक ब्रह्मांड है कि अनेक ब्रह्मांड है हमको ये भी नहीं पता. एक सृष्टि करता है या अनेक सृष्टि करता हमको नहीं पता. लेकिन इतना जरूर अगैन by just looking on this image and by just meditating with this image just helps you to see and enter into a very deep level of meditation. aap itni deep meditation mein jo khud agar aapko lage ki aap ghanton dhyan karoge tab aap pahunchoge to aap sirf is image ko focus karke usi hi meditation ke जो आप दो घंटा में जो डीप और जो एक ट्रैंक्विलिटी एक पीस महसूस करते आप इस इमेज में 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन में आप वो सेम ट्रैंक्विलिटी और सेम पीस महसूस कर सकते हो. सो इट जस्ट रियली वर्क्स वंडर्स. आई वर्क विद सो मेनी पीपल एंड आई हैव डन सो मेनी वर्कशॉप्स एंड वेबिनार ऑन दिस different light language, working with different light language and cosmic diagrams. इसमें मैं जैसे ये spreading of consciousness का cosmic diagram बनाया for healing. और उसमें मैंने देखा कि बहुत आराम से सिर्फ उस पर हाथ पे रख के meditation करने से आपका इतना healing हो जाता था, like you are just out of your problems. And my children has used a lot, my relatives has them used a lot. It just like helps you to like so it just helps you a lot to heal very fast, to experience this. It's like one of the very fast modality which I have come across in my life. I began my journey with pranic healing only. So I just stop sharing and I just come back to you all. So in my journey of life, I have began my career with my journey in spirituality began with pranic healing itself. So jab maine pranic healing kiya tabhi mujhe lagta tha wow kya kis word mein main aa gayi. Sirf ek energy haath se hilayenge aur everything is like tabiyat theek ho jayegi. And slowly my journey continues and in the year 2013 I have stopped every healing modality. I didn't practice any healing because our Brahmarshi Pitamah Patri ji always says make everybody self-sufficient, no healing for anybody. You just can't show them the path, you can't heal anybody. So I felt yes, very true, we don't have powers to heal anybody.
एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट ड्रॉप एवरी फॉर्म ऑफ हीलिंग अपार्ट फ्रॉम प्राणिक हीलिंग आई हैव लर्न्ड थीटा हीलिंग आफ्टर दैट एंड इट वाज मीटिंग बिफोर पत्रीजी आई एम टेलिंग माय जर्नी आई हैव लर्न्ड ईएमएफ लाइक बैलेंसिंग योर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर बॉडी इट इज लाइक द कोर्स ऑफ द पेगी फ्रॉम फ्रांस एंड देन आई हैव लर्न्ड व्हाट यू से yes theta and these three healing modalities predominantly I have learned and I start using them also very frequently but slowly and gradually with every master I used to meet they always tell us not to practice healing not to give healing make them self sufficient make them aware why it is there why they are suffering and from 2015 this new venture in my life opened up after the deep meditation experience that I started speaking the light language and with this light language when I started meeting the people and when I started helping them it's just like on the most on a different ground rather than them passing on the healing unko heal karne se zyada I just make them aware I just work with them I counsel I talk And I just channel the course, and they just take the responsibility to listen to the course. Because if you are receiving healing from any therapist, it's like you are not doing beyond the job. You become dependent on the other person. But it's like if you have those, you just need to listen. You just need to take responsibility. Something is in my life, whether I am suffering physically, mentally, emotionally, whatever maybe the reason is. There has to be a cause in my past. There has to be a reason in my past. So let's, the first of the best way to subside your karma is meditation. Regular meditation. It's very much necessary because if you want, agar aap chahte ho, koi bhi healing aapki life mein sustain kare, aap ekdam theek ho jao, to dhyan bahut zaruri hai. Kyunki agar ground nahi sahi hoga, to koi bhi beech daliye fasal nahi hogi. जब तक जमीन रेडी नहीं होती है तो हम उसमें कोई भी बीज ऐसे भी नहीं डाल देते एक किसान भी होता है तो पहले वो जमीन को रेडी करता है उसको खोदता है उसमें खाद देगा उसको प्रिपेयर करेगा तब उसमें सीड्स डालता है तब जाके उसमें अंकुर फूटते हैं तो वैसे ही अगर हमारा ऊर्जा क्षेत्र अगर हमारी बॉडी रेडी नहीं होगी तो हम कितना भी हीलिंग किसी से लें वो सस्टेन नहीं करेगी हो सकता है हमको एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए मेरे हाथ का दर्द चला जाए सिर का दर्द चला जाए लेकिन फिर वो आ जाएगा वापस थोड़ा दिन में लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे और हम अपनी एनर्जी फील्ड को रेडी कर लेंगे और तब हम किसी भी थेरेपिस्ट की या कोई भी हीलिंग मोडालिटी की हेल्प लेते हैं तो वो काम परमानेंट हो जाता है इसलिए दोस्तों ध्यान के फायदों को समझिए ध्यान जरूर करिए हमेशा अपना दिन की शुरुआत ध्यान से और रात को जब सोने जाएं तो उससे पहले भी ध्यान करके ही सोए तो आप देखेंगे कि आपकी ऑटोमेटिकली बहुत सारी हीलिंग तो वैसे ही हो जाएगी फिर उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें लगें कि जहाँ पे हमें एक एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत है जिसके लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है तो जिससे आपको रेजोनेंस होता है आप उससे मिल के और ले सकते हो लेकिन नो दैट इट इज़ ओनली पॉसिबल दैट यू कैन हील योर सेल्फ कोई थेरेपिस्ट आपको हील नहीं करता है हर थेरेपिस्ट का रोल जितना मैंने देखा मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं यही कहती हूँ कि मेरा रोल सिर्फ 10% है 90% आपकी जिम्मेदारी है आप उस चीज को सुन रहे हो समझ रहे हो जैसा बताया गया है कर रहे हो तो आप ठीक होगे आप सोचोगे मेरे पास आने से आप ठीक हुए हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो ट्रस्ट योर सेल्फ यू नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू टेक That क्या बोलते हैं ना power back nobody has a power to heal you अगर ऐसा होता ना जितने भी therapist है ना सबके 100% cases होने चाहिए थे जितने भी doctors हैं और जितने भी healers हैं लेकिन किसी का भी ऐसा record नहीं है किसी के 100% results है तो इसका मतलब है कि therapist नहीं ठीक करता अगर हमारे बस की बात होती रितु जी की या आशा जी या जितने भी जो भी platform में आए हैं रागिनी जी और भी जो निधि गर्ग एंड एवरीबडी किसी की बस की बात नहीं है इवन जो टॉप मोस्ट लाइक जिन्होंने प्राणी हीलिंग को ईजाद किया मास्टर चुआ कुक से तो उनके भी 100% रिजल्ट नहीं थे
अगर हमने कभी हमने साईं बाबा का अगर हम सीरियल देखते हैं तो दिखाते हैं कि उन्हें कितने लोगों को वो ठीक करते हैं, तो हर जन को उन्होंने भी ठीक नहीं किया, वो तो ऊर्जा में ही रहते थे, उनको पता था किसको मदद करनी है किसको नहीं करनी है। तो लेकिन जितने भी हम लोग अभी सीखते हैं तो हमारी तो भी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमको समझ में आए कि हमको किसको ठीक करना है या नहीं करना है। तो एटलीस्ट इतना समझ लीजिए कि हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। हम एक कैटलिस्ट हो सकते हैं किसी के लाइफ में, हम उनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन सही होना या सही नहीं होना सिर्फ उनकी अपनी चॉइस है, अपनी जिम्मेदारी है। इसीलिए किसी का भी 100% रिजल्ट नहीं होता है इसी, लेकिन कोई भी थेरेपी एक होती है, कोई भी एक चीज़ होती है तो वो हमारा काम आसान कर देती है, बस इतनी सी बात है। अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम अवेयरनेस से अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत ठीक होने से नहीं रोक सकती। ये एकदम क्या बोलेंगे आशा जी, पूर्ण सच है। आपका फोन म्यूट है, आपका माइक्रोफोन म्यूट है आशा जी। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को एक बहुत ही प्यारी बात बताना चाहूंगी जो सुषमा ने बोली है, बिल्कुल ठीक कही है। जीसस एक बार जा रहे थे और जीसस के पास एक लेडी आती है और उसका बच्चा जैसे बिल्कुल ही मरने वाली अवस्था में होता है। अभी वो बोलती है जीसस ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता है आप इसे टच करोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ऐसे करके उसका बच्चा ठीक हो जाता है। जीसस ने ऐसे ही बोलते हैं, जीसस एक बार जा रहे थे, मार्ग से गुजर के जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो रोप पहन रखा था उसको टच करता है ठीक हो जाता है। तो सब आते हैं, जीसस तो भगवान हो गए, जीसस तो भगवान है, इन्होंने ठीक कर दिया, ये ठीक कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति के मन में शंका जागी कि जीसस के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, कैसे कर पाते हैं। तो वो उनको टेस्ट लेने के लिए, अब उनकी परीक्षा लेने के लिए वो जाते हैं, देखते हैं इनके अंदर क्या है। उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो जीसस मुस्कुराते हुए कहते हैं, ना मैंने उस बच्चे को जिंदा किया, ना मैंने उसको ठीक किया, ना मैंने उसको किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसकी श्रद्धा थी मेरे में। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आप लोगों को, मेरी उनकी श्रद्धा थी, उनकी श्रद्धा ने चमत्कार कर दिया। उनके मन में ये विश्वास था, उनका बिलीफ सिस्टम था, जीसस मेरे बच्चे को छुएंगे, जीसस सर पे हाथ रखेंगे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। यहाँ माइंड करना फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर होम्योपैथिक पे विश्वास है, आप लोग होम्योपैथिक की दो गोली खाकर बिल्कुल ठीक फील करेंगे। अगर आपको किसी और जैसे बैचलर्स की बात हो रही थी, आज हम लाइट की बात करें, अगर आपका विश्वास जम गया और आपको लगा हाँ ये साइंटिफिक है, ये वर्क करता है, और आपने इसकी प्रैक्टिस की जैसे आज सुषमा बताएगी, या कोई भी थेरेपी जैसे थीटा हीलिंग की बात करते हैं, कोई भी हीलिंग की बात करते हैं, अगर तुम्हारा अंदर आत्मा बोलती है कि इससे मेरे को फर्क आएगा, 100% फर्क आएगा। कुछ चीजें वैज्ञानिक होती हैं फ्रेंड, जैसे अगर मैं आऊंगी मैं पिरामिड हीलिंग की बात करूंगी, उसमें विश्वास की कोई बात नहीं है क्योंकि वो एनर्जी वर्क करती है, उसका एंगल वर्क करता है। लेकिन वैसे अगर जिसका मन बोलता है कि मेरे को ये ठीक करेगा, जैसे अभी इन्होंने साईं बाबा का बोला, साईं बाबा तो रमता जोगी, वो तो जीरो स्टेट में रहते थे, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जिसका ट्रांसमिशन होता है ना लेना और देना, तो वो ऑटोमेटिकली रिसेप्टिव माइंड जो होता है यहाँ पे श्रद्धा काम करती है। मैं मेरे पास हजारों केसेस हैं, हजारों। अगर मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे फादर की डेथ हुई फ्रेंड्स, तो उनको डायलिसिस बोला डॉक्टर ने, मेरे फादर ने बोला बेटा मैं एक भी इंजेक्शन नहीं मेरी बॉडी ले पाएगी, मैं डायलिसिस नहीं झेल पाऊंगा। फ्रेंड्स एक डायलिसिस में मेरे फादर की डेथ हो गई। एक व्यक्ति होता है 10 साल से डायलिसिस ले रहा होता है क्योंकि उसका सिस्टम ये बोलता है मैं डायलिसिस झेल सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस वो क्या कहती है, वो क्या ट्रस्ट करती है, उसका वो बॉडी क्या बोलता है, आपका माइंड क्या बोलता है। आप लोगों ने इतने योगी देखे होंगे, आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का सुना होगा, उनको कांच घोल के पिला दिया, कांच के टुकड़े टुकड़े, और वो पूरन के जिस्म से निकल रहा है, लेकिन जब उन्होंने प्राण त्यागने हैं वो उसी टाइम पे त्यागते हैं। तो ये सब एक कैपेबिलिटीज है, एक बल है, योग का बल है, अपने अंदर की शक्तियां हैं, इन्हें ही अंतर शक्तियां कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो लाइट लैंग्वेज की आज बात की जा रही है, चाहे थीटा हीलिंग की बात, इट इज टोटली पॉसिबल, टोटली पॉसिबल। सो ओवर टू यू सुषमा। या थैंक यू आशा जी। सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट वर्किंग विद द लाइट कोड, सो वी विल
do the small meditation with these light codes only. So in the last slide, I have shown you a cosmic diagram. मैंने एक तो दिखाया spreading the consciousness का एक cosmic diagram. हम उस diagram को देखते हुए meditation करेंगे. First we just focus on that diagram. We will feel that vibration and then we will close our eyes. And तब मैं light language बोलूँगी जिसके लिए सब आप लोग आए हैं. जो नए हैं और जो पुराने हैं जो मुझे जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं. जो फर्स्ट टाइम है तो जस्ट इट्स लाइक डिफरेंट साउंड्स आई विल बी टोनिंग फ्रॉम माय टोनिंग सो दैट इट्स लाइक यू विल हेयर डिफरेंट इट डजंट मीन एनी सेंस. मैंने स्टार्टिंग में बताया इन जो मैं बोलूंगी उसको लॉजिकली आप किसी भी भाषा में परिभाषित नहीं कर सकते, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते. तो उसका ये मतलब है, ये मतलब है, इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है ये. एक जैसे एक म्यूजिक बजाते हैं तो आप म्यूजिक को समझा नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी जो तरंगे होती हैं उसको अपने अंदर में बहता हुआ महसूस कर सकते हैं. इसी तरह से लाइट कोर्स भी एक तरंगों की तरह ही है, जिसे आप एक महसूस कर पाएंगे कि वो आप में अंदर में बह रहा है, आपके सेल्स में बह रहा है, आपके अंतःकरण में बह रहा है, आपकी बॉडी में बह रहा है. और जब करेंगे तो ये एक टूल है जिससे हमारी हीलिंग, इवोल्यूशन, डीएनए में चेंजेस और हमारी वाइब्रेशन जो शिफ्ट होते हैं, हमारे कर्मा जो रिलीज होते हैं फास्ट हो जाते हैं. जैसे हमको दिल्ली जाना है, यहाँ से तो हम पैदल चल के जाएं, बैलगाड़ी में जाएं, गाड़ी में जाएं, एरोप्लेन में जाएं या फिर रॉकेट में जाएं, तो की स्पीड तो अलग ही है ना, लेकिन पहुंचे हम सबको जाना दिल्ली ही है, पहुंचेंगे तो है ही हम सब. अपने अपने रास्ते हैं और ये जितने भी तरीके हैं सब एक टूल्स हैं. तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं और हम कैसे फास्ट पहुंच सकते हैं, बस इतनी आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं ये पीपीटी. 1 मिनट I'll just share the screen once again. So friends, I will ask all of you just close your eyes. And take a deep breath. आँख बंद करने से पहले सॉरी एक बार आप लोग इस डायग्राम की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशन को जस्ट लुक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड लेट अलाउ द एनर्जी स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड. लुक एट द इमेज. Very easily and comfortably. Feel the vibration. Just be aware of every stroke. Ye image. हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे सारे ब्रह्मांड में विस्तार, और हम भी उस चेतना से ही आए हैं, उस चेतना के ही रूप है. तो हमारी ऊर्जा को भी हम फैलता हुआ एक एक्सपैंडेड फॉर्म में फील करेंगे. Another just then we begin with the meditation. Feeling the vibration, remembering this image, gently close our eyes. Now,
जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. Just be with yourself. And just allow yourself to breathe. Remembering that image. Namo ha kosha tu kashimita. Feeling as if this image is vibrating on your heart center. Kam ta kushikita tap shaunema. You just can feel the strong vibration on your heart. Vibrating it. Feeling this vibration, feeling this, the vibration of this image is spreading. As the consciousness spread, all the baggage get lightened up because you are distributing. Shikita to shena tuhi. You feel that as if your body is expanding, it's becoming bigger and bigger. As this consciousness spread, as the divine has expanded so much, similarly, your individual consciousness is spreading. Feel the vibration of this image. The image is getting bigger and bigger. This image has become as big as you are. Namko ta 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 pushinita mita tu ta tushita mita hu kushikita nichi. As if you have begun this image already. As if you are the image only. Nam to kosha pinehatu. Shamkashu kita takshuna shemaki. Tapko ko 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 paki. Tapta ko shita shikashi. You will just feel the strong sensation all around your body, your back, your front, your arms, on your shoulders. Feel this expansion. The more you expand, the better you feel. Because as with expansion, your energy field get loosened up. This image just releases all the stress, all the anxiety. All the negative thought patterns from your energy field. Kam na ku kapakehi
शोता है। शी 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 शोक्षा शशिका शोक्षा शी कपशानो हो Feel the expansion. Feel this, that you are the consciousness yourself, and it's as if you're spreading. When your consciousness spread, a deep wisdom also emerges from your being, the wisdom which is hidden. The deep knowingness emerges. The peace emerges. Kam maho shanati. Tapahakashu. You may feel that your hand is vibrating with this energy. Tapu tapakashu pani. Tapakashihi tapakashu shu. Tapakashu shu 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 shu. Just me in this place. Let the energy spread. Let the vibration stretch. Namkashanihi. Namkashaha. As if you have become this image only, and you are everywhere. Be with your breath, be with the light. Allow your consciousness to take you just allow your consciousness to spread and spread. Feel this expansion. Feel this light. Come Tahu. Another 2 minutes, you and your bed. Thank you.
last 2 minutes, you and your breath. Absorbing the energy of this beautiful image. This image makes the changes at the cellular and the DNA level, because this is the language of the soul. This is the language of who you are. Nam kano ma kashu kitati tashohi tashohi. Absorbing the energy, aligning with the energy, feeling that alignment, feeling that connection. Feeling that transformation in your energy field. Feeling that vibration, feeling that shift. Just expressing your thankfulness to the master of this beautiful cosmic diagram, to this beautiful mandala. Thanking our higher self, our God. नम का को ना की पापी नम को काशी की अशी काशु शक्ता तु शक्ता तु शक 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 slowly and gradually return back to your body. Thanking your guide. Last 10 seconds, return back to your body. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, and seven. Okay, slowly open your hands, keep it on your eyes. Five, four, three, two, one, six. You can open your eyes with a big, big smile. Thank you, friend. So, it just
स्मॉल इंट्रोडक्शन कि हाउ वी वर्क विद दिस लाइट कोच. इट्स नॉट अबाउट हीलिंग विद लाइट कोच, जस्ट लाइक वर्किंग विद लाइट कोच. यू नीड टू वर्क बिकॉज वी कांट हील एनीबडी, नॉट पॉसिबल. सो वी गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द चार्ज एंड चेंज योर लाइफ. That's the choice we need to make. Thank you, friends. If you want to share your experience or any queries, go ahead. Thank you so much, Sushmanji, for a wonderful session. It's really enlightening session, and it's very true. We are nobody to heal. हम सब अपने आप को ही करने की शक्ति रखते हैं, और जितने भी healers हैं, वो सिर्फ एक माध्यम होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप कैसे अपने आप को ठीक किसी भी मॉडलिटी के द्वारा कैसे भी. जैसे एक डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के बताता है कि आप ये खाइए, ये मत खाइए, ये परहेज रखिए, मत करिए, उसी तरह से हीलर आपको अल्टरनेटिव तरीकों से कोई और मॉडलिटीज के साथ वो आपको हर हाल में स्वस्थ रखने की कोशिश करता है. तो दोस्तों, आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज के साथ जुड़ सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, और कुछ भी करके. हमारा प्लेटफॉर्म का सिर्फ यही मकसद है, इसीलिए हमने ये किया है कि आप जाने कि कितनी तरह की विद्याएं होती हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. आपको कभी भी किसी के पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है. आप किस जो जिससे भी आप ठीक होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस चीज को अगर सीख सकते हैं तो सीखिए ना. सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई समय है, ना कोई जगह है. और मेडिटेशन इज द एसेंस. कोई भी आप कहीं पे भी चले जाइए, जितने भी आपने हमारे धर्म के गुरु को देखा, किसी भी धर्म के गुरु को, किसी भी महापुरुषों का जीवन अगर आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है, तो सभी ध्यानी थे. सब लोग ध्यान करते थे, और ध्यान हम सबको करना है. कभी भी इसका भी कोई समय नहीं होता. जब आपको मन करे, जब भी आपको समय मिले, आप जरूर ध्यान करो. और बिल्कुल सही बात है कि ध्यान करने से हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो हम अलग अलग तरीके से गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा या हीलर्स अपने मॉरलिटीज के द्वारा कैसे भी करके क्लाइंट्स को वो मेडिटेशन स्टेज पे लेके जाते हैं जिससे उनका मन शांत हो. और सारी बीमारी साइकोसोमैटिक ही होती है. इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने जाना, और यही मेरा रहा कि आशा दी और मैं हमेशा से चाहते थे कि कुछ भी हाल में हर तरह से लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें अपने जीवन में. तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. अभी क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे रितु. इट वाज वंडरफुल सुषमा, एंड आई रियली या मेरा बाहर आने का मन नहीं कर रहा. आई जस्ट वांट टू सो मच माय गॉड, द इमेज वाज व्हिच यू हैव शोन द इमेज ना, दैट वाज यू नो बहुत ही गहराई का मतलब है उस इमेज का, और वो वर्क करती है वो इमेज. That image, yeah. वो इमेज ने अपना काम करना शुरू कर दिया, मेरा ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था. बहुत सुंदर लगा. You already can feel the energy. You already connected, so आपको जल्दी और महसूस हो जाता. Yeah. So अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस ले लेते हैं सुषमा जी. हाँ, तो क्या बीच में एक क्वेश्चन आया है राइटिंग के बारे में, समझाएंगे? यस, ये राइटिंग ऑटोमेटिक राइटिंग होता है. व्हेन आई एम इन ट्रांस स्टेट तो आई राइट. तो लेकिन इनका कोई अल्फाबेट्स नहीं है. अगेन दीज आर फ्रीक्वेंसीज, दीज आर डायग्राम्स व्हिच वी राइट. तो व्हेन यू राइट, और जब वो लिखा रहता है, अगर आप उस पे सिर्फ हाथ रख के ही ध्यान करोगे, और जिस पर्पस के लिए लिखा गया है वो पर्पस आपका सॉल्व होने लगता है. लाइक जैसे मेरे हस्बैंड को बैक पेन बहुत रहता था, तो मैंने बैक पेन के लिए राइटिंग लिखी थी. तो वो उस पर हाथ रख के ध्यान करते थे, तो उनका बैक पेन पूरा डिसॉल्व हो गया. तो इस तरह से ये इमेज काम करती. लेकिन इसमें सामने वाले को करना पड़ता है. मैं तो सिर्फ एक बार करके देती हूँ. रेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द पर्सन.
That's why the person is not dependent on the therapist for everything. That's how the light works, how that language works. It is an automatic form of writing. You just write it down. Like if I write it, isme to nahi likh payenge laptop mein. I need paper and pen. I can write it down also. It's like if I think, I can write. Thank you. Viewers, आप कुछ भी questions अगर किसी को भी पूछना है आप raise hand कर सकते हैं या फिर chat box में भी आप लिख सकते हो. Yes, sir. We have one Millie. We just Millie. Yeah. Okay. Yes, Millie. You can switch on your video, please. Namaskar, Sushma ji. Namaskar, Sushma. Namaskar, namaskar. नमस्कार मिली जी. लायंस लायंस गेटवे में भी वो वाले सेशन में हम ऐसे ही हम इफेक्टिव था तो वो 21 डेज का आने का था वो लिंक कंफ्रेंस करना है घर पे कर कल रात को ही मेरा क्वेश्चन था कि कैसे करती होंगे ये जो लैंग्वेज का निकलता है वो कैसे निकलता है. तो आज अचानक से ये स्क्रॉल करते करते ये मिल गया और मुझे तुरंत ही मेरा आंसर मिल गया. वेरी हैप्पी फॉर दैट. ये जो था कि आप लिखती कैसे होंगी आप उठती कैसे होंगी वो क्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा या चैनलिंग क्या होता है ऑल आई गॉट द आंसर. थैंक यू मिली जी सो मच. वो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए. Yes, I can read it after writing Vinita ji. Once I have written, I can just speak that language once again. So we have Nidhi Karlal. Yes, Nidhi ji, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Good evening. A very, very good evening. Yes. Our, मैम आज बहुत हाई फ्रिक्वेंसी और लेवल फील हो रहा था दोनों टेम्पल पे एंड फ्रॉम द सहस्त्र चक्र एंड दोनों का जो मीटिंग पॉइंट हो रहा था दैट वाज फिल्ड विद इमेंस इमेंस पावर. जो मेरे को फील हो रहा था कि जो दोनों लाइट का कनेक्शन टेम्पल्स एक दूसरे तरफ जा रहे हैं और ऊपर से जो लाइट आ रहा है जो वो लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट वाज फिल्ड विद इमेंस पावर एंड वाइब्रेशन. एंड वो लास्ट में मुझे और पूरा पूरा जो मेडिटेशन था वो इसी फीलिंग के साथ था फीलिंग द इमेंस पावर. बट लास्ट में मुझे ऐसे फील हुआ जो इमेज आपने दिखाया था जो इमेज आपने दिखाया था मैम वो इमेज ऐसा लग रहा था फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इट इज बीइंग फ्रिक्वेंटेड फॉर माई बॉडी. खाली एक डायरेक्शन का नहीं था ऑल ओवर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन. मल्टी डायमेंशनल इमेज है वो अपना हमारे मल्टी डायमेंशनल एक्सपेक्ट का फ्रंट बैक लेफ्ट राइट बैक. यस ऑल द साइड्स इट वाज रिक्वायर्ड. सो इट्स व्हाटएवर रियलाइजेशन आई गेट सुषमा जी अ डीप हार्टफेल्ट थैंक यू टू यू बिकॉज़ यू मेड अस रियलाइज व्हाट वी आर एग्जैक्टली. सो यू आर अ ट्रू मेंटर एंड गाइड टू अस. इट्स योर ओन एनर्जी निधि जी. आई जस्ट वी लाइक जस्ट लाइक अ प्रेजेंट. कहाँ से है आप निधि जी? शी फ्रॉम कलकत्ता ओनली. नीतु आपका फोन म्यूट हो गया. हाँ हाँ आई एम फ्रॉम कलकत्ता एंड सुषमा जी इज माय मेंटर डिवाइन मेंटर द डिवाइन हैज ब्लेस्ड मी विद हर. सो आशा जी इवन आई फॉलो पिरामिड लाइट इन एफबी सो इट्स नाइस टू अटेंड योर प्रोग्राम्स विद डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स विद हाई फ्रीक्वेंसी लेवल. थैंक यू फॉर योर प्रोग्राम आल्सो. Thank you so Can much. Can you hear me? Thank you. Ashadi, your phone mute. Okay. Thank you, Nidhi. Thank you. So thank you. Next, we take Jyoti Sharma. Padmaja P. Is there? Padmaja, aap puch sakte hai question? Aapka raise hand hai? Yeah. Yeah. Okay. Sabko namaste. एंड सुषमा जी बहुत सुंदर फीलिंग था. एंड में आई डोंट नो इनिशियली कुछ नहीं लगा बट एंड में जैसा मेरा बॉडी है अंदर कुछ तो जैसा अर्थक्वेक जैसा एक फीलिंग आया दैट वाज समथिंग डिफरेंट. और वो इमेज के साथ
मैं तो पता नहीं किसी टनल में जाते ही जा रही थी, अंदर ही अंदर टनल में जा ही रही थी अंदर, एंड वो बॉडी के अंदर हार्ट एंड थ्रोट चक्र उस बीच में बहुत सारा मूवमेंट कुछ फीलिंग था, दैट वाज देयर. एंड आपका लायंस गेट अटेंड की थी मैम, एंड उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. अभी तक कंटिन्यूअसली कर रही हूँ 21 डेज के लिए जैसा आपने कहा था. तो वन डे वन आपका फोन म्यूट हो गया पद्मजा जी. फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों को, इस प्लेटफॉर्म पे अगर क्वेश्चंस हैं सो प्लीज आस्क क्वेश्चन एंड ओनली क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिटेशंस. या इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन या प्लीज. ओके ओके थैंक यू. यस पदना जी आप जस्ट शेयर मी माय पर्सनल चैट बॉक्स योर एक्सपीरियंस. या या तो लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं एंड्रॉइड डू ब्लू ड्रॉइड बोल के हैं, किसी का हैंड रेज है. आप में से कोई क्वेश्चन आपका कुछ है तो आप पूछ सकते हैं सर. सो दैट्स ऑल. So I think, yes, Jyoti, Jyoti Sharma, उनको वो पूछना चाहती है. यस ज्योति जी बोलिए. ज्योति जी अनम्यूट कर दीजिए. हाँ सुषमा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि आपकी डॉटर को मेंसुरेशन में इश्यू था, उन्हें क्रैम्प आते थे, बट वो कोर्ड वाला उन्होंने किया तो उनका डिसॉल्व हो गया ये इशू. ये सेम इशू मुझे भी है कि मेरा इरेगुलर है, मैं मेडिटेशन करती हूँ बट मेरा रेगुलरिटी नहीं आई है मेंसुरेशन में अभी भी, और बहुत इश्यूज होते हैं. तो मुझे ये जो आपने भी प्रिंट आउट दिखाया था राइटिंग कोड का, क्या इसका इमेज निकाल के इस पे हाथ रख के रोज करना है मेडिटेशन? ये दूसरा था हमारा ज्योति जी, और मेंस्ट्रुअल का अलग है. ओके सुषमा जी. ओके मेंस्ट्रुअल साइकिल का अलग है मेरे को लगा तो कि नहीं सेम नहीं है. ऐसे ऐसे इमेजेस मैंने बहुत सारे लिखे हैं अलग 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 अलग. ओके क्या वो हम लोग को पर्सनली कभी चाहूंगी तो मिल सकेगा आपसे? आप मुझे बात कर लीजिएगा, आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा. ओके सुषमा जी. हाँ ओके सुषमा जी. हाँ वंडरफुल सेशन. थैंक यू. थैंक यू. इसमें सुषमा जी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग अलग जो आपके लाइट लैंग्वेज का कोड जो है वो सिर्फ हमें हाथों के बीच में रख के मेडिटेट करना होता है या किस तरह से यूज कर सकते हैं? हाथ में हाथ उसके ऊपर हाथ रख के मेडिटेट करना होता है. ओके फिर वो फ्रीक्वेंसी वो कोडिंग आपकी, क्योंकि आपके फिंगर्स में एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होते हैं और फिंगर्स में हमारे चक्रस होते हैं, एनर्जी सेंटर्स रहते हैं, तो वो जब हम कोड्स उन पे जब हम अपने हाथ रखते हैं तो सेंटर्स के द्वारा हमारे एनर्जी फील्ड में एंटर करने लगते हैं. तो आपको लगेगा धीरे धीरे जैसे वो फ्लो हो रहा है आपके एनर्जी फील्ड में. जैसे जैसे वो एनर्जी फ्लो होती है वो आपकी सेलुलर लेवल पे डीएनए लेवल पे चेंजेस करने लगती है. तो जब जैसे जैसे चेंजेस होता है वैसे वैसे आप उस प्रॉब्लम से हील होते जाते हैं. ओके तो जैसे आपने दिया कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर, मान लीजिए थायराइड के लिए है या कुछ प्रॉब्लम के लिए बताया, तो वो अगर ठीक हो गया है तो फिर वही पर हम किसी और को भी दे सकते हैं कि वो उसी तरह से मेडिटेट करें और अपना मोर और लेस. और फिर सेम टाइम कभी कभी हमको पर्सनल कोच भी चैनल करने पड़ते हैं, डिपेंड, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो इश्यू होता है डिफरेंट होता है, कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है. जैसे जो मेरा हीलिंग जो मैं सेशन लेती हूँ, जो मैं काउंसलिंग सेशन लेती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, इट्स लाइक प्योरली इंट्यूटिव. तो कभी कभी मैं लाइफ कोच लिखा हुआ नहीं देती, आई जस्ट रिकॉर्ड एंड गिव. कभी कभी मैं बोलती हूँ कि आपको खुद का जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू मेडिटेट ओनली. तो समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक प्योरली इंट्यूटिव आल्सो. तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो जो लिखा हुआ है और इमेजेस हैं, इफ दे वर्क विद द इमेजेस एंड जो ऑटो राइटिंग है, इट गिव्स यू द रिजल्ट. एंड जैसे आपके जो ऑडियोज हैं, अगर वो ऑडियोज भी अगर उसी बीमारी से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है उसको भी अगर हम शेयर करते हैं, अगर वो सुनता है तो उसको हेल्प मिलेगा ना?
ये मैंने कुछ लोगों से सुना है, जैसे मैंने कभी किसी का चोट का लिए किया, उसको बहुत प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अपने भाई को भेजे तो उनका भाई का भी ठीक हो गया। लेकिन पर्सनली जब भी मैंने सेशन लिया, अगर वन टू वन लिया, तो मैंने पर्सनली हमेशा इंडिविजुअली चैनल किया है सबके लिए। पूरी मैंने जो एक ग्रुप में सेशन लिए हैं, जो ग्रुप कूलिंग के दौरान मैंने कोर्स चैनल किए हैं, वो जरूर सर्कुलेट हुए हैं एक दूसरे को, अलग 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 जैसे भी। लेकिन इंडिविजुअल सेशंस में जब मैंने किया है, तो मैंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। जैसे मैंने अगर आपके लिए थायराइड के लिए किया, तो मैंने कभी किसी दूसरे को थायराइड के लिए नहीं भेजा, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये मेरे पास एक दूजन का फीडबैक है कि आपने ये मेरा किया था, तो मैंने अपने भाई को या इसको दे दिया, तो उसका भी ठीक हो गया। सो दैट्स नॉट माई एक्सपीरियंस, लेकिन दैट्स एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु हैव टेकन द सेशंस फ्रॉम मी। जैसे अभी एक लड़के का था, उसको क्रिकेट खेल रहा, उसको एक्सीडेंट हो गया, और वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने लग गया था। लेकिन उसको उस एक्सीडेंट के बाद उसकी पीठ में कुछ इतना प्रॉब्लम हो गया कि वो खेल ही नहीं पा रहा था, इन स्पाइट ऑफ एक साल की फिजियोथेरेपी से भी, डॉक्टर की दवाइयों से, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। देन ही केम टू मी फॉर द सेशन एंड वी चैनल द कोर्स। वो सिर्फ दो सेशन के लिए आया था, और उसने कोडिंग को 11 डेज और 7 डेज सुना, एंड इट वॉज गॉन, परमानेंटली गॉन। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो मतलब वो चीज एक बार वो मतलब बंदा रख लेता है, तो फिर वो कभी भी चाहे तो उसको यूज कर सकता है बार बार। हाँ, अगर उसको वही सेम प्रॉब्लम अगर रख रही है, तो वो रखे तो अपने पास यूज कर सकते हैं। मेरी लोग करते हैं तो मुझे पता नहीं, मतलब मेरे पास तो जो बस ठीक हो गए थे यार, उनके रेफरेंस के थ्रू लोग आते हैं, या फिर उनका फीडबैक आ गया कि ना आई एम फाइन। ओके, दैट्स वेरी वंडरफुल। तो आज का हम लोग, सुषमा जी, आज का हम लोग ये प्रोग्राम अपने फ्रेंड इसके साथ ही कि ध्यान को अपनाइए, और ध्यान के द्वारा आपके कौन से पोर्टल्स खुलेंगे, क्या पता आप भी ऑटो राइटिंग करने लगें, क्या पता आप भी लाइट लैंग्वेज बोलने लगें, क्या पता आप बुक्स लिखने लगें, क्या पता आप डांस करने लगें, क्या पता आपके अंदर की ऐसी कौन सा चीज जाग जाएगी, क्योंकि ये केवल ध्यान से संभव है। है सुषमा जी, ठीक कह रहे हैं? ये ध्यान से संभव है। When you do practice of meditation, तो आपके अंदर की जो गिफ्ट है वो आपके, हाँ, गिफ्ट आपके मेडिटेशन के द्वारा। सो मैं तो यही कहूंगी मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कि अपने उपहार जो आपको प्रकृति ने दिए हैं, आपके सिस्टम में इस जीवन में आपको दिए हैं, उनकी चाबियां, उन तालों को खोलने के लिए उस खजाने की जो चाबी है वो आप ही के पास है। तो अगर हम केवल सबके पीछे भागे, लेकिन अपने आप को नहीं जाना, तो ये जो हमारी चीजें, इसका हमारा मेन मकसद है अहम ब्रह्मास्मि। स्वयं को जानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, जैसे सुषमा ने पहचाना, जैसे मैंने पहचाना, जैसे ऋतु ने पहचाना, हम सब ने पहचाना। मेरे को आज कम से कम 15 साल, बोलूं कितने साल बोलूं, कि मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। फ्रेंड्स, मेरे को चिकनगुनिया हो गया था, मुझे नहीं पता था मुझे चिकनगुनिया हुआ है, और मुझे 4 बुखार 5 बुखार चढ़ता था। तो मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की अब तो क्रोसिन खा लो, 4 बुखार हो रहा है, 5। मैं सीधे बाथरूम में जाके नहा लेती थी कि बुखार उतर जाएगा, फीवर है, क्या है। और मैं बड़े प्यार से बोलती थी, अरे किसने प्यार से काट लिया मुझको। मैं बोलती थी किसने काट लिया थी चिकनगुनिया, मैं तो वैसे ही प्यार देने के लिए बैठी हूँ। मींस केवल इतना है, मैंने बिना दवाई के चिकनगुनिया अपना ठीक किया था दोस्तों। तो कहने की मतलब ये है कि अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। मैं बार बार इस बात को बोलना चाहती हूँ, और ऋतु मुझे बोलती है दीदी आप आइए, दीदी आप आइए, मैं आप लोगों को आज नजर आ रही हूँ, और सुषमा आई थी तो मैंने कहा ठीक है आते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर, मतलब ऐसी अपने अंदर जो शक्ति है ना, उसको समझो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊंगी फ्रेंड्स आप लोगों को, अभी याद आ रही है एकदम, कि मेरे पैर में ना सोराइसिस हो गया। और ये सोराइसिस कहाँ से आया मेरे को दोस्तों, कि देखो चीजें समझो, बीमारी समझो आती कैसे है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी,
मैं सत्संग में जाती थी, वहां पे 85 साल की आंटी थी, मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, कहानी सुना रही हूँ कहानी के रूप में सुनना, शैला आंटी उनका नाम था, मैं उनकी सेवा करती थी और उनके पैर को रोज सहला के उस पर दवाई लगाती थी और आंटी मुझे प्यार से कहती थी बेटा बोलना मेरा पैर ठीक हो जाएगा, बेटा बोलना मेरा पैर ठीक हो जाएगा, और मैं उनका पैर को सहलाते हुए कहती थी। मुझे नहीं पता था, मुझे तो मेडिटेशन नहीं पता था, ये आज से कम 17 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो मैं आंटी के पैर को सहलाते हुए दवाई लगाती थी और बोलती थी ठीक हो जाओ ना, ठीक हो जाओ ना, आंटी को क्यों तंग करते हो, ठीक हो जाओ ना, ऐसा करके मैं आंटी के लिए अफर्मेशंस बोलती थी। एक दिन आंटी ने मुझे गिफ्ट में अपनी चप्पल दी जो उन्होंने दो बार पहनी हुई थी, चप्पल दो बार पहनी हुई थी, मैं नहीं जानती थी। आंटी ने कहा ये चप्पल आप पहन लो, थोड़ी सी वो जो मुझे बाद में पता चला जब मैंने कन्वर्सेशन की चप्पल के साथ, फ्रेंड समझो कम्युनिकेशन विद चप्पल। सो मेरे पैर में सोराइसिस आ गया, मैं स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे एक हफ्ते की दवाई देता है, उसके बाद कहता है ये लाइलाज बीमारी है, कभी ठीक नहीं होगी। अब मेरे अंदर का मास्टर, मतलब मैं नहीं जानती, ध्यान व्यान मैंने वो उसका जो पर्चा था डॉक्टर का उसके मुंह पे ऐसे देके मारा, झट खींच के उनको फेंक दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक हफ्ते में ठीक करके दिखाऊंगी, विद इन वन वीक में ठीक हो जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड कहते क्या करोगी तुम, मैंने कहा आई डोंट नो, मतलब जैसे सुषमा मतलब आई डोंट नो, कहते फिर इतनी खुनकी के साथ पर्चा डॉक्टर साहब के दे दिया, डॉक्टर साहब एक हफ्ते में लाइलाज बीमारी हुई है। मैंने कहा मैं रूट कॉज में जाऊंगी फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं रूट कॉज में जाऊंगी, मेरे शरीर पे आई कहां से है। और मैं बैठ गई कि फ्रेंड्स यूनिवर्स, मैंने सिर्फ यूनिवर्स बोला फ्रेंड्स, मैंने कहा यूनिवर्स मतलब लाइट, यूनिवर्स मतलब लव, मैंने बोला यूनिवर्स प्लीज मेरी हेल्प करो कि क्या हुआ था मेरे संग, ये डिजीज मेरे को आई है, ये कहां से आ रही है। फ्रेंड्स मैं शाम को किताब पढ़ रही थी, उसमें रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी लिखी थी, देखो हमें यूनिवर्स बताता कैसे है। आज ये जो सेशन हुआ है लाइट का, इसको आसान मत समझना, क्या पता आपका कोई पोर्टल खुल चुका हो, आपको पता ही ना हो, आपको कुछ दिन में पता चलेगा। तो मैंने, मेरे को रामकृष्ण परमहंस का किताब हाथ में लगी, उसमें रामकृष्ण परमहंस स्टोरी सुना रहे हैं कि एक नाव में बैठ के वो नदी के पार जा रहे हैं और सामने के घाट पे एक व्यक्ति दूसरे को चाबुक से मार रहा है, चाबुक से मार रहा है, रामकृष्ण परमहंस कह रहे आ आ ऐसे कर रहे हैं। तो शिष्य कहते हैं अरे गुरुजी आपको क्या हुआ, चाबुक तो सामने पड़ रहा है। और वो अपने गुरुजी का ये कुर्ता हटा के देखते हैं, चाबुक के निशान उनकी कमर पे थे। जैसे मैंने ये घटना पढ़ी किताब में, मेरे अंदर की जो कॉन्शियसनेस थी एकदम मेरे को उसने जवाब दिया, सोराइसिस तेरे को नहीं शैला आंटी को हो रहा था। मतलब हमारा जो भावनात्मक शरीर होता है, मेरी इमोशंस शैला आंटी के भावनात्मक शरीर से जुड़ गए थे और मेरी बॉडी में उनका सोराइसिस आ गया था। मेरे को जैसे ही मेरे को यूनिवर्स का मैंने थैंक यू किया और मैंने उनकी जो चप्पल आंटी ने गिफ्ट किया था मैंने घर के बाहर ले जाके रख दी और मैंने नमस्कार करके हुई चप्पल को बोला, मैंने कहा चप्पल आप जो चीज लेकर आए हो मेरे पैर पे आए हो आपको मैं घर से बाहर विदा कर रही हूँ। सुषमा एक हफ्ते के अंदर मेरा पैर 100% करेक्ट without any single drop of medicine. So this is the power of, you know, your inner power, I can say. तो आज जो फिगर सुषमा ने दिखाया है, ये फिगर आपको, ये समझो आपको अनंत से जोड़ रहा है, आपका मल्टीपल आपके डायमेंशन को खोल रहा है, आपके हार्ट के अंदर जो कोर ऑफ द हार्ट है, जो कोर ऑफ द अर्थ है, वहां से अगर कोई चीज है, मैंने ऐसे पोर्टल्स खुलते हुए देखे हैं फ्रेंड्स। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस चित्र को ही अगर आप लोग देखोगे बार बार, सुषमा जी क्या बोलोगे चित्र के बारे में, दो शब्द और सुनना चाहती हूँ। ये इसको हम लोग कॉस्मिक डायग्राम्स बोलते हैं या मंडाला जी बोलते हैं बहुत, लेकिन मंडाला को जब मैंने गूगल में देखा तो वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। मंडला इज ऑलवेज इन सर्कुलर फॉर्म, मंडला इज ऑलवेज इन अ सर्कुलर फॉर्म। यस मैंने भी यही देखा, लेकिन मैंने जब भी बनाए हैं तो मेरा सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, सारे अलग अलग उसमें है। और इन मंडाला को डॉक्टर न्यूटन ने भी बहुत पसंद किया, वो अपनी लाइफ रिसर्च यूनिवर्सिटी में इसका पूरा आर्ट गैलरी बनाएंगे उन्होंने, सारा पिरामिड में उसका आर्ट गैलरी बनेगा। और ये मैंने ये करीबन 100 से भी ज्यादा बनाए हैं, अलग अलग पर्पस के हैं सब, लाइक फॉर कोई इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए है, कोई ओपनिंग ऑफ द पोर्टल्स के लिए है, कोई रिलेशनशिप हील करने के लिए है, कोई एक्टिवेटिंग ऑफ डीएनए के लिए है,
इट्स जस्ट लाइक मल्टीपल, कोई आपकी एनर्जी हाउस की एनर्जी को चेंज करने के लिए है. सो व्हाई यू केप्ट दिस नेम ऑफ मंडला फॉर दिस फिगर्स, बिकॉज़ दे मतलब हु टोल्ड यू दिस इज मंडला? Nobody told me. I just called them. Then I felt, you know, it's not the mandala. These are the cosmic diagrams. Yeah. Because Mahavatar Babaji. Yeah, because Mahavatar Babaji gave me this art of mandala in Kokuchina, and mandala is always in a round form. These are the light codes which are you are receiving. Because yes, right now I received a message from the Ganesha. So Ganesha is saying ki ye jo हर पर्पस के लिए दिया जा रहा है, ये एक तरह के कोड्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं फिगर की फॉर्म में. सो दिस इज दीज आर नॉट मंडलास, डोंट से इट मंडलास, जस्ट इसको यूज करो कि दीज आर द सम लाइक कॉस्मिक डायग्राम्स नाम दिए. यस कॉस्मिक, यस यू जस्ट कीप अ वंडरफुल नेम द कॉस्मिक डिजाइंस या कॉस्मिक कीज, व्हाटएवर यू फील, बिकॉज ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है यू मेड दिस डिजाइन, यू मेड इट, वाओ. मतलब ये ग्राफिक्स ग्राफिक्स मैंने नहीं बनाया है, ग्राफिक्स मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसने वो उसकी टीम डिजाइन कर रहे हैं. बट यू ड्रॉ इट विद द पेंसिल्स, यू ड्रॉ विद द ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल्स? मैं A4 साइज में बड़े साइज में बना लेती हूं, देन दे कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम बोलो, कंप्यूटर ग्राफिक्स मुझे नहीं आता. या डेफिनेटली यस. सो दिस इज रियली, तो ये जब आपने डिजाइन बनाया जो आज दिखाया था, ये आपका किस पर्पस के लिए बना था? ये आपका है स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस टू फील, कि वो कॉन्शियसनेस कैसे चारों तरफ spread kari, to feel that oneness, to be open to that energy, to open to that portal. Yes, we all are part of the same consciousness only, actually. Okay. Uske liye. Wow. So one day we will invite you, Sushma ji, for this session, for the your this downloads for this, for the next part two. We are inviting you for the next with the in that workshop we will just ek diagram ke upar work karenge. तो हम अपने जब इसको हम लोग डी कोड करते हैं तो इनके अलग अलग मीनिंग्स है, हर एक जो स्ट्रोक होता है उसका मीनिंग होता है, वो किस लिए है, क्या कारण है, इतने डॉट्स हैं तो क्या कारण है, अगर उतने सर्कल्स हैं तो क्या कारण है. तो इट्स लाइक इफ वी डी कोड दिस मंडला इज लाइक अ बिग सब्जेक्ट. तो हम लोग आई वर्क विद दिस डायग्राम्स, आई डू लाइक दैट. या बिकॉज इवन आई हैव मेड सम डायग्राम्स लाइक दिस विच आर डी कोडिंग सम थिंग्स, बट वी विल टेक अ डिफरेंट सेशन, द होल कम्प्लीट टू आवर सेशन सुषमा जी, एंड वी आर गोइंग टू इनवाइट यू. थैंक यू रीना जी, जस्ट वन मिनट, वी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम रीना जी, शी इज आस्किंग फ्रॉम रीना जी, गो अहेड अनम्यूट योरसेल्फ. मैं पूछना चाहती थी बेटे की शादी के लिए भी कुछ ऐसा कुछ है क्या? क्या चीज के लिए? आप अभी सिंबल बता रहे थे ना, पेपर पे राइटिंग करके ऐसा कुछ बता रहे थे आप, मेरे ख्याल से मेरे सुनने में यही आया. आप कुछ पेपर पे ड्रॉ करते हो उसको हाथ में लेके प्रेयर कर सकते हैं. मैं अपने बेटे की शादी के लिए करना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ है क्या? जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं मेरे पास, शादी के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया क्या आपने अभी तक? नहीं, क्योंकि आजकल शादियां बहुत टूट रही है और वापस हो नहीं रही है. आपने खुला है तो हम देखते हैं कुछ आएगा तो जरूर, क्योंकि मैं तो इसीलिए परेशान हो रखी हूँ. मेरे बेटे के चलते मैं 2 साल से बेड पे हूँ, बीमार हो रखी हूँ. रीना जी इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, आपको जैसी बहू चाहिए वैसी कल्पना करिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ब्रह्मांड का नियम, जैसा चाहते हैं वैसे हमें मिल जाता है. तो इसमें एज अ हीलर आप खुद ही कर सकते हैं ये काम, और पॉजिटिव है ये, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और एकदम भी टेंशन मत करिए. आप बस कल्पना करिए जैसा आपको चाहिए वैसा आपके साथ हो रहा है, और आपके साथ जरूर हो जाएगा. अच्छा, मैं ये देख रही थी कि हमें विजुलाइज करना है अपने आप को इससे बड़ा या इसके अंदर, जैसा भी आए, फॉलो योर इंट्यूशन, कोई फिक्स रूल और नॉर्म्स नहीं है इसका. इट्स लाइक मोर लाइक इंट्यूटिव फीलिंग के साथ जाना है आपकी, आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है, फ्लो करता है, वैसे फ्लो होते जाएंगे. या आई जस्ट फेल्ट लाइक एक्सपेंडिंग माय सेल्फ,
Sorry, it's too early for me. So morning, my voice is. So yeah, thank you, thank you, thank you so much, Sushma ji. Thank you, Rakesh. Thank you. Finally, we end the session here. It's a beautiful session. बहुत ही प्यारा session रहा Sushma ji. Thank you, Rakesh. आप से हम next episode जब start करेंगे तो उसमें cosmic diagram के साथ आप हमें और इसके बारे में जानकारी दीजिए. तो ये बहुत अच्छा meditation and everything. ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि हम और इसके बारे में अधिक जाने और इसके साथ कनेक्ट हो पाए. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू आशा जी. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग. थैंक यू एंड गुड नाइट. थैंक यू. बाय बाय.